नदी का संगम है, संगम है, एक बार बताइएगा, बताइए। मेरा नाम चंद्रदेव प्रसाद है। जी जी सर। गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय नौता फतुहा पटना जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ से मैं प्रभारी प्राध्यापक हूँ। जी। बिहार की राजधानी पटना के फतुहा नगर में आए हुए सभी स्वयं सेवक का हार्दिक स्वागत है। जी थैंक यू। फतुहा के बारे में छोटी सी जानकारी आपको देते हैं। गंगा नदी पर दो संगम स्थल है, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। वहाँ प्रयागराज में सरस्वती जो है अदृश्य है। जी। गंगा नदी पर दूसरा संगम फतुहा में है, जो पटना जिला में आता है, जहाँ गंगा नदी और पुनपुन नदी का संगम स्थल है और गंडक नदी अदृश्य है। जी। पूरे भारत में गंगा नदी पर दो ही संगम है, प्रयागराज और फतुहा। ये जो पुनपुन नदी का उद्भव जो है, स्थल जो है, वो मध्य प्रदेश से आती है और ये फतुहा में एंड होती है, जहाँ मीन होती है उसको त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन रास्ता, त्रिवेणी घाट से तीन रास्ता होती है और त्रिवेणी घाट को संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। फतुहा का ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है और इस स्थल पर बावन भगवान का मंदिर भी है। जी। वैसे फतुहा नगर जो है धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। जिस तरह से प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे सभी धर्मों का स्थल मिलेगा। यहाँ हिंदू का भी मंदिर है तो मुस्लिम का भी मस्जिद है, ईसाई धर्म का भी यहाँ गुरु नानक साहब का मठ है, क्रिश्चियन जो है उनका भी यहाँ पर धार्मिक स्थल है। यहाँ कबीर पंथी जहाँ आप लोग रह रहे हैं वो कबीर साहब का जो है, कबीर पंथी लोग का जो मठ है, रह रहे हैं, कबीर समाज के लोगों का है ऐतिहासिक स्थल है। पूरे बिहार में 366 मठ है, इसका की मुख्य क्वार्टर फतुहा जहाँ आप लोग रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा भी यहाँ जैन धर्म का भी धार्मिक स्थल है, इसके अलावा रविदास धर्म का भी धार्मिक स्थल है और कई धर्मों का यहाँ पर धार्मिक स्थल है। इसलिए जो है फतुहा ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान कृष्ण का भी पुराना पुराना सैकड़ों वर्ष का मंदिर भी है, तो भगवान शिव का भी यहाँ मंदिर है। यहाँ से बगल में बैकटपुर 8 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ जो है भगवान शंकर का मंदिर है जो ऐतिहासिक मंदिर है। दक्षिण में जो है सूर्य मंदिर है यहाँ से 8-10 किलोमीटर के आसपास में, और पूरब में जो है गुरुद्वारा है जहाँ की काफ़ी महत्वपूर्ण है, गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। उत्तर में हम लोग जहाँ खड़ी है वो गंगा नदी है। जी, गंगा का नज़ारा देखो। गंगा नदी पर यहाँ बैठे हैं तो बहुत ही पवित्र स्थल है। जी। गंगा नदी के दर्शन से ही मन गदगद, मन पवित्र हो जाता है। जी 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 सर जी। और आप सभी लोगों का जो यहाँ है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। गंगा घाट के बारे में, गंगा नदी के बारे में इतना बहुत ही विस्तार से बताया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं त्रिवेणी संगम को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है अपना त्रिवेणी संगम, जो कि पुनपुन नदी और गंगा यहाँ पास आके मिल रही है, और गंडक नदी जो कि अदृश्य है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी टीम बैठी हुई है, ये जितने भी और टीम हैं।